पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी, नाराजगी छोड़ फिर थामा बीजेपी का दामन, अर्जुन राम मेघवाल से खत्म हुई अदावत, वसुंधरा राजे के बड़े समर्थकों में से एक है भाटी, वसुंधरा के कहने पर ही की है वापसी। कौन सी पार्टी चाहेगी कि उसका घर मजबूत ना हो? जाहिर है कि पुराने और बड़े सियासी चेहरे पार्टी की जान और शान होते ही हैं, और अक्सर चुनावी मौसम में नाराजगी से बनी दूरियां खत्म होने का दौर चलने लगता है, और अगर नाराजगी बनी रहे तो फिर नेता पाला बदलकर कोई और ठिकाना ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन देवी सिंह भाटी ने दूसरे पाले की ओर देखने के बजाय अपने घर में वापसी करना ज्यादा बेहतर समझा है। भाटी बीकानेर के कोलायत से 1980 से 2008 तक लगातार विधायक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से टिकट देने का विरोध करने वाले देवी सिंह भाटी ने पार्टी छोड़ दी थी। यहां तक कि मेघवाल खुद भी उनकी घर वापसी के पक्ष में पहले नहीं हुआ करते थे। करीब एक साल पहले भी उनकी घर वापसी की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया था। फिलहाल वसुंधरा के कहने पर वापस आए देवी सिंह भाटी के सियासी मायने क्या कहे जा सकते हैं? राजस्थान चौक से खास बातचीत में भी भाटी ने कई बातें कही हैं। मसलन वो राजे की लीडरशिप पर तो हमेशा ही खुलकर बोलते रहे हैं, बाकी चुनावी माहौल में टिकट को लेकर हो रही कशमकश के बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात तो कह दी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी पर फिलहाल बातें गोल कर गए। इधर कुछ महीने पहले भी भाटी ने राजे के लीडरशिप पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक राजे को लीडरशिप नहीं दी जाती है तब तक उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी कहा था कि राजे को जब तक कमान नहीं सौंपी जाती है तब तक वो बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। तो क्या बीजेपी के अंदर खाने सब सेट हो गया है? क्या राजे को लेकर सब क्लियर हो गया है? क्या पूर्व सीएम की लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने खुद को रेडी कर लिया है? खासकर भाटी के वापस आने से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि बड़ा नेता वही है जिसके साथ सबसे ज्यादा समर्थक और कार्यकर्ता हों। तो खुद को साइडलाइन किए जाने से राजे परेशान थी, और अब वो खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने कट्टर समर्थकों को अपने साथ लेकर चलना चाह रही हैं, ताकि उनकी ताकत का मुजाहिरा उनके समर्थकों के रूप में होता रहे, क्योंकि देवी सिंह भाटी आज भी वसुंधरा को सबसे ताकतवर और चर्चित चेहरा बीजेपी की राजनीति का मानते हैं। लिहाजा राजे को ही सीएम फेस बनाने के पक्ष में आज भी देवी सिंह भाटी नजर आते हैं। खैर, देखना होगा कि राजे पर पार्टी का स्टैंड क्लियर होने के बाद की यह रणनीति है, या पार्टी पर एक दबाव बनाए रखने के लिए की गई राजे कैंप की एक प्लानिंग। सवाल बीकानेर का भी है, क्योंकि भाटी ने मेघवाल का जिस तरह से विरोध किया था वो यादें आज धुंधली भले ही हों, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से डरावनी तो आज भी हैं। इसलिए देखना होगा कि भाटी के आने के बाद पार्टी में क्या कुछ और हलचल मचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।